Assalamualaikum, welcome to my another vlog. We are at Dili Darwaza, मशहूर का लाहौर का सबसे जो famous gate है ना, इस वक्त मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे rush check करें. अच्छा, पहले जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये लोग ओपन नहीं करते थे ये एरिया. आई डोंट नो अब यहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, ये क्या है. हम डे टाइम आते थे ना. टूरिज्म इंफॉर्मेशन ऑफिस दिल्ली गेट. ठीक है जी, इस साइड में भी देखते हैं. यहाँ बहुत रश है, पता नहीं. आई थिंक एरिया मैंने बिल्कुल भी नहीं खोला था, सारा ट्रेडिशनल हर चीज़ उन्होंने लगाई हुई है. अब ये बिल्कुल आगे जाएंगे तो वजीर खान मॉस्क्यू आ जाएगी. अच्छा जी, दिल्ली गेट से अंदर हम आ चुके हैं और ये पुराने पुराने घर और ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं. ट्रेडिशनल चीज़ें नज़र आ रही हैं, पुराने पुराने घर ऊपर अभी तक चौबारे जो होते हैं बने हुए हैं अभी तक. ये चीज़ कायम है, यही तो लाहौर की ब्यूटी है. नज़र आ रहे हैं और ये देखें बाज़ार की रौनकें चेक करें आप, कितना ज़्यादा ये चमचमा रहा है. सर्दियां आ गई हैं तो ये शॉल्स वॉल्स भी इन्होंने लगाए. ये लाहौरी लड़कियों की ना ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, झुमके हैं ये. अब मेरे पास बहुत सारे हैं इसलिए मैं कोई नहीं बाय करने वाली. कैसे दे रहे हैं? क्योंकि मैं एक खातून के साथ आई हूँ तो वो बर्तन देखे बगैर तो नहीं रहेंगी. तो अब ये अब जो है ना, हम भांडे देखने आ गए हैं, भांडे लेंगे शायद अभी हम. कुछ अच्छा लग रहा है आपको? कोई भी ले लीजिए, सब ही सेम. अच्छा जी, यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है, देखते हैं अंकल जो हैं वो क्या करते हैं. हम इंडिया से आए हैं. अच्छा जी, ये देखें वजीर खान के व्यूज हैं, आ रहे हैं. मॉस्क्यू में कभी गई नहीं हूँ बट इसे दूर से आज कैप्चर करते हैं. इंशाल्लाह किसी दिन हम स्पेशल व्लॉग बनाएंगे इस पर. यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए हैं. ये वजीर खान का गेट है, वजीर खान मॉस्क्यू का गेट है यहाँ से, बट हम अंदर नहीं जा रहे हैं. ये बाहर इन्होंने बड़ा ट्रेडिशनली डेकोर किया, बड़ा अच्छा लग रहा है. ये कितनी ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं. एक खातून भी जो है ना हमें अंदर नज़र आ रही है और आई डोंट नो ये क्या कर रही है. ये क्या चीज़ है? ये सेल करते हैं? ये देखो, ये बास्केट है. ये कितनी मज़े की चीज़ें हैं, सारी हैंडमेड ही हैं और बास्केट्स हैं ये. ये बड़ा मज़े का लग रहा है, ये देखें ज़रा, रियली नाइस. हर चीज़ जो है ना हैंडमेड ही है, ट्रेडिशनल है और एंटीक पीसेस भी हैं यहाँ पे कुछ. ओह दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट ना, बारीक काम. ये ना वजीर खान की बैक साइड है. हम किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, ये बस हम ऐसे वीडियोस बना रहे हैं. और आगे जाके काफ़ी बड़ी है वजीर खान मॉस्क्यू,
अच्छा आगे जाके इनका फूड कोर्ट आ रहा है और मैंने सुना है अंदरून के जो खाने हैं ना वो बहुत मज़े के होते हैं, तो मैं कुछ ट्राई करूँगी यार। ये वज़ीर खान के लेफ़्ट साइड पर बिल्कुल मैं खड़ी हूँ और ये फूड स्ट्रीट का एरिया जो है वो नज़र आ रहा है। और आंटी की फरमाइश है कि हम वहाँ नीचे बैठ कर तो जलेबी खाएंगे, तो देखते हैं नीचे, देखते हैं ना नीचे क्या मिल रहा है, वहाँ जाकर चेक कर। ये रात के टाइम ना ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पे रात के टाइम विज़िट, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसके अंदर नहीं जा पाऊँगी बट इसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाएंगे अभी, क्योंकि मस्जिद बंद है इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ बैठ के ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं कहीं टर्की में आ गई हूँ, टर्की के किसी बाज़ार में आ गई हूँ। तो इन्होंने ना बिल्कुल इसी तरह इसे डेकोर किया हुआ है, ये देखें इन्होंने भी कुछ इसी तरह से किया हुआ है, बट अच्छा चेंज है, ये होना चाहिए। पहले हमारी वो सारी वहीं वीरान पड़ी रहती थी बट अब इन्होंने इसको लाइटिंग करके यहाँ पर बड़ा अच्छा। देखें जी ये यहाँ पर ना इतना ट्रेडिशनल किस्म का एंटीक गेट लगा हुआ है और ये इस गली का नाम है सबील वाली गली, और मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ दरबार भी है, कोई पता नहीं कौन सा दरबार है, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा रही हूँ, बस अब वापसी की तरफ हम। अच्छा जी अब हमने गरम गरम जलेबियाँ पैक करा ली और अब हम खा रहे हैं। लुक एट दिस यार कितनी यम्मी है, वज़ीर खान मोस्क्यू के बिल्कुल सामने बैठ के हम लगे हुए हैं। अच्छा जी इस जलेबी के साथ ही हम इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और इंस्टा पे जल्दी से मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।